थाना छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत फुल बड़ौदा के मवासा गांव में लहासी नदी पर बने एनीकट की पूर्व दिशा की ओर से एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया और अनदेखी कर दी गई, जिसका खामियाजा आसपास के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कई वर्षों पहले लहासी नदी पर मवासा में बने एनीकट की एक साइड पानी के बहाव में 2 साल पहले कट गई थी, लेकिन किसी भी जवाबदारों ने ध्यान नहीं दिया और उस साइड की ओर से धीरे धीरे हमारे खेत कटने लग गए और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा हिस्सा कटकर पानी में बह चुका है और देखते ही देखते खेत नदी बनते जा रहे हैं। इसके बाद भी संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर ग्रामवासियों ने विरोध जताया। अगर इसका समय रहते मरम्मत हो जाती है तो सरकार के कुछ पैसों के चक्कर में लाखों की चपत नहीं लगती। आसपास के खातेदार किसानों रामपाल मेहता, पुरुषोत्तम मेहता, अमृतलाल मेहता आदि ने विरोध जताया। में जो एनीकट है ये 2 साल से मरम्मत के अभाव में पड़ा था और अब तो ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो इसको लेकर संबंधित जो भी विभागीय अधिकारी है क्या उनका रवैया? इसके बारे में विधायक महोदय को भी अवगत कराया है और संबंधित विभाग भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार का टेंडर भी हुआ था पर वो कम बजट हुआ, इसलिए उन्होंने भी काम को छोड़ दिया है। तो इससे आपको क्या नुकसान? इसमें नुकसान है ना, सारा वो खेत तक कट गया, सारा निकट वो खेत भी नदी में बैठे जाने वाला है, सारा पानी टूटा साइड से निकलता है और वो पहले तो निर्माण करवाया जाता है, ठीक रिपेयर करवाया जाता है, उसमें 2 लाख 3 लाख रुपया काम करो और अब उसका चौराई बन के दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं किया जाता फिर वो खेत मेरा नुकसान होगा पूरा उसमें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।